तो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ मतलब सॉरी बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लेके आया हूँ। आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज देखिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने है कि IFOM की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो IFOM की स्थापना की गई थी 1970 ईस्वी में की गई थी, 1970 ईस्वी में की गई थी। इम्पोर्टेंट है आपकी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑफ की प्राथमिक चिंता कौन सी है, प्राथमिक चिंता ऑफ की। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मृदा सूक्ष्म जीवों को जीवित रखने के लिए, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मृदा सूक्ष्म जीवों को जीवित रखने के लिए ऑफ की प्राथमिक चिंता है। ठीक, देखिए ऑफ के बारे में कौन सा सत्य है बताइए, ऑफ के बारे में कौन सा सत्य है। देखिए हमें मिट्टी खिलानी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑफ में किस प्रकार के खनिजों की अनुमति है। तो ऑफ में अघुलनशील खनिज की अनुमति है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय का गोबर प्लस मूत्र प्लस कृषि अवशेष कितने दिनों के बाद खेत की खाद के रूप में उपयोग के लिए तैयार हो जाती है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 90 से 120 दिन में तैयार हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंपोस्ट किस प्रकार की प्रक्रिया है। कंपोस्ट देखिए स्वचालित रूप से गर्म करने वाला, एरोबिक, एजैविक, थर्मोफिलिक, ये सभी हो जाएंगे। ठीक, स्वचालित रूप से गर्म करने वाला, एरोबिक, जैविक, थर्मोफिलिक, ऊपर के सभी, ये सब हो जाएगा। ठीक, ये राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेष बनिया एक्यूलेट कौन सी हरी खाद की फसल है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी भारतीय मटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरी खाद की फसल के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोषक तत्वों की लीचिंग को रोकना हरी खाद के जो सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऊपर के सभी हो जाएगा, सॉरी इसमें सब होता है। हरी खाद के पौधे मिट्टी को निचली परत से पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, या यह मिट्टी की ओम स्थिति को बनाए रखता है, या मिट्टी को हल्का बनाता है, पोषक तत्वों को लीचिंग को रोकता है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के सभी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्मी कंपोस्ट की संरचना के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए पहला भी कथन सत्य है, पीएच मान होना चाहिए 6.5 से 7.2 के बीच में होना चाहिए, और देखिए दूसरा गलत है। ठीक है, तीसरा चाहिए नाइट्रोजन 0.5 से 3% होनी चाहिए। ठीक, और छठा इसमें सही हो जाएगा हमारा, मात्रा होनी चाहिए कि लगभग ह्यूमस की मात्रा होनी चाहिए 6 से 8% ह्यूमस। ठीक, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये वाला ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी है। जल्दी नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, तब तक के लिए बाय।